કંપનીના સીએમડી વિપિન કુમાર સક્સેના જોડાયા છે આપણી સાથે. ઓકે, ગાર્ડન રિચ ના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાય છે ત્યાં છે ઓવરઓલ જે રિઝલ્ટ નું પર્સપેક્ટિવ છે ડિસ્કસ કરવા માટે. સૌથી પહેલા તો બહુ બહુ શુક્રિયા સર મેરી સાથે જોડને કે લીએ. શરૂઆત મેં એ કરના ચાહુંગી સર, 6311 કરોડ કા જો ઓર્ડર મિલા હૈ, કિસ તરીકે સે ઓર્ડર હૈ, ટાઈમલાઈન ક્યા હૈ, યે ઓવરઓલ ડિઝાઇનિંગ કા હૈ, કિસ તરીકે સે વર્કઆઉટ હોગા, કુછ ડિટેલ્સ આપ મુજે પ્રોવાઈડ કર દીજીએ, ઉસકે બાદ હમ લોગ બાકી ફાઈનાન્શિયલ ડિસ્કસ કરતે હૈં. ऐसा है कि ये जो हमें आठ जहाज बनाने का, इसका नाम है ASW शेलो वाटर क्राफ्ट एंटी समेट वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट, जिसकी हमें आठ जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो मिला है. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमने कॉम्पिटेटिव बिल्डिंग में जीता है. हम लोग H2 थे और CSL L1 था. हमने H2 का कॉस्ट L1 का कॉस्ट मैच किया है एज पर RFP. और इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके मिलने से तो गार्डन ई शिप बिल्डर इंडिया लिमिटेड की ऑर्डर बुक जो है बढ़ के 22,000 करोड़ से बढ़ के लगभग 28,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है. और जो इसका बिल्ड पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट साइन डेट से पहला जहाज हमको 42 महीनों में 42 मंथ में पहला जहाज देना है. और उसके बाद हर एक साल में दो जहाजों की डिलीवरी करनी है. तो जो टोटल बिल्ड पीरियड है जहाज पूरे प्रोजेक्ट का वो 84 मंथ का है, जिसमें कि हमें 8 जहाज बना के देने हैं. कितने मार्जिन के अंदर इसकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जहां तक हम समझ रहे हैं ऑर्डर बुक तो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी, तो मार्जिन के फ्रंट पर आपकी कमेंट्री किस तरीके से ये वर्कआउट होगा? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है जहाज बनाने का, वॉरशिप बनाने का, खासकर GRSE. आपने अभी पिछले 20 मार्च को देखा होगा कि हमने 100वां जहाज देश में बना के दिया इंडियन नेवी को. और हम GRSE पहला देश का शिपयार्ड बना है जिसने की सिर्फ 100 जहाज बनाए हैं नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए. इसका मतलब ये है कि हम 59 ईयर्स में हमारा जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज, एक्सपर्टीज है, और हमारी जो डिजाइन टीम है जिसमें आप पूछ रही थी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजाइन टीम है. 100 मेंबर्स की जिसमें IITs के और NITs के ऑफिसर हैं जो कि हमारे साथ काम करते हैं. एक पूरे जहाज की डिजाइन इनाउस होगी तो उसका बड़ा फायदा होगा. जब हम पूरे डिजाइन इनाउस रखेंगे तो हमारा सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, हमारे तमाम जो चीजें बनेंगी जहाज में वो हमारे खुद के चुनाव से बनेंगी. तो हमारा एक्सपीरियंस से भरोसा ये, इतना डेटा भी हमारे पास है पिछले 59 ईयर्स का जो कि हमारे एक्सपीरियंस के कारण, उसके रहते हुए हम ये जानते हैं कि उसमें हम लोग अच्छा मॉडल प्राप्त कर सकेंगे इस प्रोजेक्ट के थ्रू. अग्री सर. और इसके अलावा बाकी ऑर्डर बुक की अगर बात करें जाए, आप न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर मुझे समझा पाए कहाँ तक पहुंचे, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कितनी है, थोड़ी बहुत उसकी दीजिए. आपने जैसे मैंने कहा कि हमारी 28,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से बढ़ गई है, ये पूरी आउटस्टैंडिंग मतलब येट टू बी एक्सक्लूडेड ऑर्डर बुक है. और ये जो ऑर्डर बुक है वो 6 प्रोजेक्ट की है, जिसमें कि 5 प्रोजेक्ट इंडियन नेवी के हैं और 1 प्रोजेक्ट कोस्ट गार्ड का है. और इसमें हमने एक चीज और बता दूं आपको कि हमने जस्ट 5 महीने पहले पिछले बरस 30 अक्टूबर को इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट 4 सर्वे वेजर लार्ज बनाने का, जिसकी कीमत लगभग 2400 करोड़ थी. और अभी जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट 6311 करोड़ का है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नेवी का हमारे हाथ में है जो कि 3 स्टेल्थ मिसाइल प्रोजेक्ट बनाने हैं, इसकी कीमत 19,000 करोड़ से ऊपर है. और जो 3 प्रोजेक्ट और हैं नेवी के, 2 प्रोजेक्ट जो लगभग कंप्लीशन के समय आ गया है उनका, और एक कोस्ट गार्ड का जिसमें 5 जहाज बनाने हमें. तो ये जो 3 प्रोजेक्ट नेवी के हमारे साथ पुराने चल रहे थे उनके जो बैलेंस 7 जहाज हैं वो इस साल हम लोग बना करके दे देंगे. तो इसके बाद जो हमारे पास प्रोजेक्ट रहेंगे नेवी के, तीनों नेवी के रहेंगे. 17 अल्फा जो बताया मैंने आपके, 3 स्टेल्थ मिसाइल प्रोजेक्ट हैं, 4 सर्वे वेजर हैं और ये 8 जहाज, मतलब 15 जहाज हमको लगभग 2026 तक बना करके हमें देने हैं. और ये जो ऑर्डर बुक है हमारे पास मौजूद है और मैं जहाँ तक देखता हूँ इस ऑर्डर बुक के रहते शिपयार्ड की फाइनेंशियल विल बी, अब मुझे जो उम्मीद है हम बहुत अच्छा करने वाले हैं आने वाले वर्षों में. और मेरी पूरी विश्वास है कि हमारा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा वो पिछले वर्ष से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा. और जैसा बिल्ड प्लान है जो आप सबके मन में होगा, हमारे इन्वेस्टर्स के मन में भी होगा, इसमें जहाज जो बन रहे हैं, जो हमारा 17 अल्फा प्रोजेक्ट है स्टेल मिसाइल प्रोजेक्ट का, वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, समय पर चल रहा है. वो हमने पहला जहाज का 10% अचीव कर लिया है, उसका हमने कील ले कर दिया है एज पर द बिल्ड प्लान, उसमें कोई भी डिले नहीं है. दूसरा जहाज का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है,
सर्वेवेजल का प्रोडक्शन विदिन 5 महीने साइन इन के अंदर हमने शुरू कर दिया है, और ये जो आज जहाज का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन हुआ है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स शिप है, हालांकि बहुत बड़ा शिप नहीं है, 750 टन का एक एक शिप है, परंतु इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वेपन इंटेंसिव प्लेटफॉर्म है, इसमें लगभग हमें 8 से 12 महीने का डिजाइन पीरियड है, और जब डिजाइन खत्म होगा उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि आने वाले वर्षों में रेवेन्यू जो हमारा है इस प्रोजेक्ट के कारण बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और 4-5 वर्षों में हमारा जो रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशन वो लगभग 4 गुना बढ़ने का मेरा भरोसा है, विश्वास है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है तो मैं और डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं बस रिगार्ड की क्वार्टर के रिजल्ट्स और भी बेहतर है, और उसके ऊपर हम लोग और भी डिटेल में बातचीत कर पाए, और यहाँ से ऑर्डर इनको और भी बढ़ता हुआ हम लोग देख पाए। थैंक यू सर मेरे पास के लिए। गार्डन रीजनल मैनेजमेंट साथ चर्चा कर रहा था, नवा जो ऑर्डर्स कंपनी ने मिला था, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स में कई रीतना आए थे इन पर आप ध्यान रखते हैं।